हेलो दोस्तों, तो सामने आप देख सकते हैं ये है न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा XUV 3XO। ये जो वेरिएंट है ये AX5 वेरिएंट है और ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो यहाँ पे इस गाड़ी को भी हम चलाएंगे, इसका टेस्ट राइड करेंगे और इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे मार्केट में दूसरी गाड़ियाँ जैसे कि टाटा नेक्सॉन, ब्रेज़ा हो गई, सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हो गई। तो इन गाड़ियों से कंपेयर करेंगे क्योंकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी रीजनेबल रखी गई है, अराउंड 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से जो है इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। तो उन कार से कंपैरिजन में ये कार कैसी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजन की यहाँ पर बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO में आपको टोटल 3 टाइप के इंजन देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो इंजन है ये 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 111 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क 200 न्यूटन मीटर्स का। इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके बाद पेट्रोल में ही दूसरा डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर 131 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क 230 न्यूटन मीटर्स का है। इसमें भी आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो तीसरा इंजन है ये डीजल इंजन है 1.5 लीटर का और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 117 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क 300 न्यूटन मीटर्स का है। इसमें 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का AMT का ऑप्शन मिलता है। वैसे माइलेज की बात करें तो पेट्रोल इंजन से आपको 18 टू 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, वहीं पे डीजल इंजन की बात करें तो 19 टू 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा। वेरियंट्स की यहाँ पर बात करें तो टोटल 9 वेरियंट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। MX1, MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, AX5, AX5 Luxury, AX7 और AX7 Luxury। MX1 वेरिएंट एक बेस वेरिएंट है और उसमें आपको पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। इसकी जो प्राइस है ये 7.49 लाख एक शोरूम है। उसके अलावा जो AX7 लग्जरी वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट, उसकी प्राइस 14 लाख रुपए से लेके 15.5 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इंजन वेरिएंट आप लेते हैं। AX5 और लग्जरी वाले जो वेरिएंट्स है उसमें आपको ADAS के फीचर्स मिलेंगे, लेवल 2 ADAS मिल जाएगा, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो जैसे अच्छे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिज़ाइन की अभी बात करें तो पुरानी वाली XUV 300 के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कुछ डिज़ाइन में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले LED DRLs फ्रंट और बैक में जो है आपको एक न्यू सी शेप टाइप का LED DRL देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में अगर हम बात करें तो रिवाइज्ड फ्रंट बम्पर मिल जाता है, हेडलैम्प असेंबली को भी चेंज कर दिया है और आगे की तरफ आपको न्यू 2-पार्ट ग्रिल देखने के लिए मिलता है। इसके बाद पीछे की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे न्यू टेलगेट देखने के लिए मिलता है विद फुल विड्थ LED लाइट बार देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्लेट को भी जो है अभी नीचे की तरफ कर दिया है रियर बम्पर में, जबकि पहले जो थी ये टेलगेट में माउंट थी। और यहाँ पे जो है न्यू सेट ऑफ डार्क क्रोम अलॉय व्हील्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इंटीरियर की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको इंटीरियर में देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो इंटीरियर है काफ़ी हद तक XUV 400 से मिलता जुलता है। यहाँ पे आपको एक नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी चेंज कर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यू स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री सराउंड कैमरा, लेदरेट सीट्स जैसे कुछ अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सेफ्टी की अभी बात करें तो सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स एंकर्स, ये सारी चीज़ें आपको सारे वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा। चलिए आपके साथ मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। वैसे भी महिंद्रा की आपने जितनी भी गाड़ियाँ देखी होंगी ग्लोबल एनकैप में इनको 4 या 5 स्टार की रेटिंग ही मिलती है। XUV 700 को जो है काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 5 स्टार, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। वैसे ही जो बिल्ड क्वालिटी आपको महिंद्रा XUV 3XO में देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलती है, कैबिन नॉइज़ नहीं मिलती है। अगर आप हाई स्पीड में भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कैबिन नॉइज़ नहीं मिलता है और इस कार का जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और मैंने जो है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा भी चलाई है, दूसरी गाड़ियाँ भी चलाई है, तो इसका जो इंजन है काफ़ी हद तक ब्रेज़ा जैसा है। मारुति सुजुकी के जो इंजन रहते हैं वैसा ही इंजन रिफाइनमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर आप सिटी राइड में भी इसको चलाएंगे, सिटी में अगर आप इसको चलाएंगे तो आपका जो हाथ होता है वो मोस्टली जो है गियर लीवर पर ही रहता है, तब भी जो इसके गियर लीवर में आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी और गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूद है।
इसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक इसकी जो है काफ़ी अच्छी है। फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू जो कॉम्पिटिटर्स की मैंने कार चलाई है उसमें जो है आपको मोस्टली जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक ही मिलता है, बट यहाँ पे जो है आपको फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में डिस्क ब्रेक मिलता है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। हाई स्पीड में भी आप जो है आराम से गाड़ी को रोक सकते हैं। इसके बाद हम सेटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीट इसमें जो है आपको लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं, तो सेटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। किया सोनेट मैंने चलाई है, वैसा ही आपको सेटिंग कंफर्ट इसमें मिलता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आरामदायक है। लंबी राइड भी इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी बैक पेन, स्पाइन पेन ये सब आपको इसमें नहीं होगा। इसके बाद राइड स्टेबिलिटी एंड राइड क्वालिटी की बात करें तो टायर्स भी इसके काफ़ी मोटे हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसके टायर थोड़े मोटे हैं, और इसमें R17 अलॉय का भी ऑप्शन है, तो इसकी जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है, राइड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ इसकी जो सीट की हाइट है वो भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, तो ओवरऑल आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलता है जिससे रोड की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और इसका जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लच लीवर एंड ब्रेक भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी आसानी से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अपडेट्स महिंद्रा ने XUV 3XO में किया है कंपेयर टू XUV 300। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि Level 2 ADAS मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे न्यू फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ इसका जो न्यू इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है, इसके अलावा इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, न्यू स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, फ़ोन को भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, इसका जो इंजन है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है, इवन मैं बोलूँगा कि मारुति से भी थोड़ा सा जो है बेटर मुझे जो है इसका इंजन लगा। तो डेफिनेटली आप इस कार को खरीद सकते हैं, प्राइस भी इसकी काफ़ी रीजनेबल है, 7.5 लाख रुपये एक शोरूम से जो है इसकी प्राइस शुरू हो जाती है, तो आप डेफिनेटली इस कार का एक बार टेस्ट राइड लीजिए और इसका परफॉर्मेंस चेक करिए, फिर इसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।